बाबा बीजिंग वाले समझते होंगे कि हमको खुद पूजा कराते और भगवान उठाना हाँ बीजिंग वाले समझते होंगे हाँ हिंदी में जो आया है कि बीजिंग वाले समझा कि लोग पूजा कराते और भगवान मनाते हैं, इसीलिए मुरली को जमीन में डाटा होगा। मुरली मुरलियों को 62 से 68 तक की मुरलियों ये हमको नहीं आती थी, इसको जमीन में दाटी हुई है हाँ। अगर जलाई गई हाँ। तो खुद समझते होगे, अगर समझते होते तो उसे गाड़ते क्यों? जो मुसलमान होते हैं वो हिंदुओं के शास्त्रों को जमीन में गाड़ते हैं कि हिंदू गाड़ते हैं? जरूर माया का परछाया पड़ा है, तब ऐसा किया है। अगर माया का परछाया न पड़ा होता तो बाप की वाणी को जमीन में क्यों गाड़ देते? और ब्रह्मा को भगवान क्यों मान लेते? जो भी आसुरी संप्रदाय होते हैं वो ब्रह्मा को ही भगवान मान करके वरदान मांगते हैं, ईश्वर की वाणी को नहीं समझ पाते। इसलिए जमीन में गाड़ दिया। भक्ति मार्ग में नदियों में फाड़ फाड़ के फेंक दिया, जमीन में गड़वा दिया, आग में जला दिया। शूटिंग कहाँ होती है? भक्ति मार्ग में जो कुछ होता है, चाहे देव आत्माओं के द्वारा होता है, चाहे राक्षसी आत्माओं के द्वारा होता है, सारी शूटिंग संगम युग में होती है। और बाबा साकार मूल्य में आता है कि पिता की वाणी, गुरु की वाणी बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो ऐसा उस वाणी में क्या था अभी तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान में दबाई गई है, अभी कुछ मालूम उसके बारे में कुछ बताएंगे? गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। यज्ञ में यज्ञ कुंड के आदि से ही विनाश ज्वाला निकली, स्थापना के साथ साथ। तो कोई को तो अच्छी लगी और कोई को अच्छी नहीं लगी। जो आदि में सो अंत में अब देखने में आता है। एडवांस ज्ञान है तो एडवांस वालों को ही समझ में आवेगा या सबको समझ में आ जाएगा? जिनको समझ में ही नहीं आता है उनको वो वाणी अच्छी कैसे लगेगी? सिर्फ गीत गाते रहते हैं क्या? गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। आदि में भी ऐसा हुआ था और अब अंत में भी बड़े रूप में ये होना है। और बाबा रामायण में बाली और शत्रु दो भाई हैं, बाली को राम जी ने शिव पर क्यों बाण मारा? बाली अंगद का कौन लगता था? है बाप लगता था। बाबा की मुरली के अनुसार अंगद और हनुमान एक ही आत्मा है कि अलग अलग हैं? हैं? एक ही आत्मा है। रावण की सभा में बुद्ध रूपी पांव उड़ाने वाला अंगद दिखाया गया है। उस पांव को रावण हिला ही नहीं सका। तो अंगद का जो बाप है बाली, वो तो और ही पावरफुल होगा कि कमजोर होगा? तो उसको वरदान था कि कोई सन्मुख आकर के लड़ाई लड़ेगा तो सामना करने वाले की आधी शक्ति खत्म हो जाएगी। या ईश्वरीय ज्ञान में भी ऐसे ही है। कोई तो न समझने के कारण सामना करने लग पड़ते हैं। अब बाप का सामना करना चाहिए क्या? बाप का तो कब सामना नहीं करना चाहिए। और राम वाली आत्मा भगवान थी या मनुष्य आत्मा थी? है भगवान थी, मनुष्य आत्मा थी, देव आत्मा थी। तो ये युक्ति है कि सामने से नहीं मारा। जो 7 ताड़ हैं ऊंचे ऊंचे, उन 7 ताड़ के वृक्षों की ओट लेकर के मारा। जो 7 विधर्मी नारायण हैं, ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। जिनकी ओट लेकर के उस निराकार की ऊंचाई को ध्वस्त किया जाता है। जो निराकार इस सृष्टि पर साकार बन के सारा कार्य संपन्न करता है, वो निराकार को भगवान मानने वाले जो भी 7 विधर्मी नारायण हैं, विधर्मी धर्म पिताएं हैं, उनके महत्व को खत्म कर दिया जाता है। साकार के बगैर निराकार तो क्या है? जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। और शंकर का वंडरफुल पार्ट बच्चे कभी समझ सकेंगे जब शंकर जैसी निर्विकारी स्टेज को समझ सकेंगे, जानेंगे कि हमारी शक्ति तो संग के रंग में आने से क्षीण हो जाती है। शिव के साथ तो उसी का नाम जोड़ा जाना चाहिए जो संसार में प्रैक्टिकल में अमोघ वीर्य साबित होता है। नहीं तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देती है। और दोनों में प्रवेश क्यों करता है? एक में अम्मा बनने के लिए प्रवेश करता है, एक में बाप बनने के लिए प्रवेश करता है। अम्मा से प्यार ही प्यार मिलता है, वर्षा सुख शांति का वर्षा तो नहीं मिलता जीवन भर के लिए। और बाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है, इसलिए बाप के रूप में भी प्रवेश करता है। और ब्रह्मा स्वयं मुख्यवंशावली नहीं है। हाँ जी। और दूसरे वाक्य में कहा कि ब्रह्मा पहली रचना है, ब्रह्मा ही पहली रचना है। हाँ जी। मैंने कहा कि ब्रह्मा स्वयं मुख्यवंशावली नहीं है। है? ब्रह्मा स्वयं मुख्यवंशावली नहीं है। मुखवंशावली नहीं है, मुख से जो सुने वो वंशावली, सूर्य से जो सुने वो सूर्य की वंशावली, चंद्रमा से जो सुने वो चंद्रवंशी। चंद्रमा को चंद्रमा कहेंगे या चंद्रवंशी कहेंगे? है चंद्रमा ही कहेंगे। तो पहली रचना भी तो ब्रह्मा ही बताया। वास्तव में जो रचना ब्रह्मा है वो स्त्री चोले के रूप में थी या पुरुष चोले के रूप में थी? स्त्री चोले में भी थी और पुरुष चोले में भी थी, दोनों रूप में थी। आदि ब्रह्मा स्त्री चोले में थी या पुरुष चोले में थी? अरे जल्दी हाँ ना करो ना। हैं? आदि में माता पिता के रूप में स्त्री और पुरुष। अरे ब्रह्मा पिता की बात छोड़ो, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। ब्रह्मा कौन से रूप में था और कौन से रूप में था? स्त्री चोले में था। जो स्त्री चोले में था उसको पता कैसे चला कि मैं ब्रह्मा हूँ? पता चला है? पता नहीं चला, क्योंकि शिव निराकार ने प्रवेश किया। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डाला या भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला? भक्ति का सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला। तो समझेगा कैसे? इसलिए ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ। पहला ब्राह्मण कौन हुआ? प्रजापिता ही पहला ब्राह्मण हुआ, उससे पहले कोई भी ब्राह्मण नहीं हुआ। इसलिए वो फर्स्ट ब्राह्मण ही फर्स्ट मुखवंशावली है। और आधी अंत में रुद्रमाला तैयार हो जाती है, मतलब पावन हो जाती है। फिर रुद्रमाला को, रुद्रमाला तैयार होना माने पावन होना नहीं। रुद्रमाला के मणके जब विजयमाला में ऐड किए जाएं तब पावन बनेंगे। तो फिर उनको पापात्मा ये शब्द क्यों दिया जाता है? हाँ, क्योंकि उनका सर्विस का जो कार्य है वो बकाया है, सेवा करेंगे तभी उनके पाप घटेंगे। अभी डिसर्विस ज्यादा करते हैं किस सर्विस ज्यादा करते हैं है? अभी डिसर्विस ज्यादा हो रही है, इसलिए 100 गुना पाप का बोझा चढ़ रहा है। अंत में जब विजयमाला स्थिरियम हो जाएगी, विजयमाला के मन के राजधानी में पहुंच जाएंगे, तो जो राजधानी में पहुंच गए उनको सेवा की जरूरत है? उनको सेवा करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। वो सेवा के बंधन से भी मुक्त हो गए। किनको करनी पड़ेगी? जिन्होंने 100 गुना पाप का बोझ चढ़ाया है, निंदा कराई है संसार में, वाइब्रेशन बिगाड़ा है कि बनाया है? है? बिगाड़ा है। वो सदगुरु निंदक नंबरवार, उनको सेवा के फील्ड में जाना पड़े। इसलिए बोला है अंत तक तुम बच्चे सेवा करते रहेंगे और अंत तक बाप से वर्षा लेते रहेंगे। सेवा करते करते तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। सेवा करने वालों को बाप की याद बहुत आती है या नहीं आती है? बहुत याद आती है। अगर सात्विक सेवा करें तो सात्विक का बेविचारी याद आवेगी। अब बेविचारी याद आने से अग्नि तीव्र हो जाती है, पाप कर्म तेजी से भस्म होंगे और अंत में विजयमाला के मणके बन जाएंगे। हाँ जी, पापी ना करे, क्योंकि बाप दादा ने वैसे ही बोला है कि विजयमाला का आह्वान करो। वैसे हम पापी ना करे, सर्वशक्तिमान बाप तो हमारे साथ है। शिव बाबा भले विजयमाला ज्ञान का, विजयमाला पवित्रता में अच्छी है और हम ज्ञान वाले ज्ञान के तीखे, तो पाप कैसे हो सकते है जब हम विजयमाला का आह्वान करें? करेंगे तब ना, तब ना ये सेवा कर सकते हैं ना। वैसे तो करो ना, कौन मना करता है? तो पापी क्यों है? क्योंकि बुला ही नहीं सकते। जिसको जिसकी दरकार होती है, जिसकी ललक होती है, उसको पहले बुलाएगा कि विजयमाला को पहले बुलाएगा? आसुरी स्वभाव संस्कार भरा हुआ है, आसुरी वाइब्रेशन भरा हुआ है, तो असुर स्वर्ग में जाना पसंद करेंगे या नरक में जाना पसंद करेंगे? उनको सुख कहाँ भासेगा? नरक की दुनिया का ही सुख भासेगा। शिव बाबा को ज्ञानी तो आत्मा पसंद है। ज्ञानी तू आत्मा पसंद है, लेकिन रावण को ज्ञानी तू आत्मा कहेंगे या अज्ञानी आत्मा कहेंगे? उल्टे थे तो पापात्मा हुआ या पुण्यात्मा हुआ? सुना है राम ही रावण बनता है, सुना है कि नहीं? तो जब तक रावण है तब तक राम कहाँ है? और वो जो गीता के संस्कृत श्लोक है वो पाठ करना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं, उसका अर्थ हृदयंगम होना चाहिए। हाँ जी, है बहुत मुश्किल है ये। तो जो मुश्किल है उसको छोड़ दो, जो सहज है उसको ले लो। ऊपर माताओं को उनके ऊपर नहीं याद करें, 70 तक की आ गई मतलब तो याद नहीं करेगी हमको। अब माताएं सब एक जैसी है क्या? पर बाबा एक जैसी नहीं है, लेकिन उम्र तो मतलब हाँ, कोई कोई बूढ़ी माताएं भी बड़ा तीखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आज के वाणी में आए दान देकर जो दान आपस लेंगे तो चंडाल बनना पड़ेगा, तो वो लोग अंकारी बताए। मुरली में यही बोल रहे हैं कि शूटिंग के हिसाब से चार वर्ष से हमें गुजरना है, चार वर्ष से हमें गुजरना भी है, चारों वर्ष से गुजरते भी है, अवस्थाओं से गुजरते हैं। हाँ तो हमारा हो ही जाते हैं। हाँ चंडाल बनना पड़ेगा। तो जो चारों अवस्थाओं से गुजरते हैं, चारों अवस्थाओं में तमो प्रधानता की स्टेज में आते हैं, वो नंबर वार हैं कि सब एक जैसे हैं, बस यही अंतर पड़ जाता है। कोई तो कलयुग के अंतिम जन्म में जाकर के अति तमो प्रधान बनेंगे, और कोई तो द्वापर के पहले जन्म में ही अति तमो प्रधान बन करके पतितम बन करके और ऊपर से आने वाली आत्मा के आधार बन जाते हैं। तो कौन श्रेष्ठ हुए हैं? जो अंत में जाकर के पतित बनते हैं और सबसे ज्यादा पतित बनते हैं। कौन सी बैटरी ज्यादा तीखी कहेंगे, भारी और बड़ी बैटरी कहेंगे। जो द्वापर में ही डिस्चार्ज हो जाती है अथवा जो कलयुग के अंतिम जन्म में जाके डिस्चार्ज होती है। और ये बैटरी कहाँ भरी जाती है? संगम युग में जब बाप आते हैं तब ही बैटरीज भरी जाती है। और बाबा लेकिन 5 विकार का दान अगर बाप को दे दिया है, बाप को 5 विकार का दान दे दिया है, तो कलयुग के अंत में इतना तमो प्रधान कैसे बनेगी आत्मा? है 5 विकार का दान दे दिया है, अंत में जाकर के सारा ले लिया। अरे व्यास वाली आत्मा है वो संसार में सभी राजाओं, महाराजाओं, महर्षियों, साधु संत के सामने पूजनीय है या नहीं? क्यों? उसके पास पवित्रता है। हाँ जी, वो भा माना रोशनी, रत माने लगी हुई है, ज्ञान की रोशनी में ही लगी हुई है। तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी कि एकदम डिस्चार्ज हो जाएगी? हाँ शाम के समय पत्ते क्यों नहीं तोड़ने चाहिए? है शाम के समय पत्ते क्यों नहीं तोड़ने चाहिए? मतलब जैसे तुलसी का या कोई भी झाड़ का पत्ता सूर्यास्त होने के बाद क्यों नहीं तोड़ना? हाँ जो ये षष्ठी वृक्ष है, ये कब उगता है और कब नष्ट हो जाता है? कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो रात शुरू होते ही ये षष्ठ वृक्ष झड़ जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, या जब रात समाप्त होती है तब झड़ते हैं। ब्रह्मा की रात कब शुरू होती है? सतयुग त्रेता के अंत में या द्वापर के आदि में? द्वापर के आदि में शाम होती है, फिर रात्रि गहराती जाती है। तो जो पत्ते हैं कब टूटने चाहिए? षष्ठी वृक्ष जब पूरा हो तब पत्ते टूट जाएं वो अच्छा, या बीच में ही टूट जाएं? हाँ, तो द्वापर के आदि में ही जो देवताई षष्ठी वृक्ष स्थापन किया गया था उसके पत्ते किसने तोड़ लिए? माया, रावण, इब्राहिम ने तोड़ लिए। तो अच्छा किया या बुरा किया? हैं? बुरा हो गया। इसकी शूटिंग संगम युग में होती है। तो कहते हैं कि तुलसी के पत्ते नुमा शाम में नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी कौन है? हैं? जगदम्बा। जगदम्बा रूपी पत्ते को शाम होते ही किसने तोड़ लिया? सीता को किसने चुराया? रावण ने चुराया। तो पत्ता टूट गया या देवी देवता सनातन धर्म का पत्ता रह गया? टूट गया। ये अनिष्ट हुआ या सुंदरकारी हुआ? अनिष्ट हो गया। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं कि शाम को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। और हाँ जी, तुलसी के भी दो रूप हैं, एक काली पत्ते वाली और एक हरे पत्तों वाली। काली पत्ते वाली जंगल में ही फलती फूलती है, उसको घर गृहस्थ में लाके रख दो तो खलास हो जाएगी। और हरे पत्तों वाली घर गृहस्थ में ही फलती फूलती है। भले भगवान के घर गृहस्थ में न रहे, दुनिया में चली जाए तो भी घर गृहस्थ में ही रहेगी। सन्यासी नहीं बनती है। एडवांस के आदि में जो निमित्त बनती है वो निमित्त बनते ही गृहस्थी से टूट करके जंगल में चली जाती है। ये कांटों का जंगल है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि। तो दो रूप हैं, एक काली तुलसी जो और धर्मों में ही पनपती है, कांटों के जंगल में, और एक हरित तुलसी। हरित तुलसी का गायन है कि वो आंगन में रख करके पूजी जाती है। बेडरूम में नहीं रखते। आंगन में कौन बैठती है और बेडरूम में कौन रहती है, ये अंतर है। वो जगत माता है, माता पिता बच्चों के दास दासी होते हैं या बच्चे माँ बाप के दास दासी होते हैं। तो वो माता का संपूर्ण रूप है। और कैसे नहीं बाबा, कहते हैं कि वृंदावन में आज भी गोपियाँ रासलीला करते हैं, आज भी ऐसा बोलते हैं, कहते हैं। कहाँ की यादगार? हाँ, संगम युग में ही मधुबन होता है, वृंदावन होता है, वृंद समूह को कहा जाता है। ये देवात्माओं का समूह है जिसे मधुवन कहा जाता है। यहाँ की यादगार भक्ति मार्ग में चलती है। मधुवन में ही गोप गोपियाँ डांस करती हैं। ज्ञान का डांस बाहर की दुनिया में चलता है या वृंदावन में चलता है? वृंदावन में ज्ञान का डांस चलता है। बाहर की दुनिया में तो माया का प्रभाव हो जाता है, बाहर जाते ही बुद्धि सफाचट, सारा ज्ञान ही उड़ जाने लगता है, अगर ईश्वरीय सेवा में न लगे रहे तो। और बाबा बाबा मुरली में आता है, गांधी जी मारा तो राजकोट में बड़े कम्युनिस्ट के घर जन्म हुआ है, हद की बात है, लेकिन वेद में कैसे लागू? वेद में ऐसे ही लागू होती है कि ब्राह्मणों की जो बेहद की दुनिया है उसमें दादा लेखराज गांधी मरा क्या कहता था? राम राज लाऊंगा। राम राज्य में प्रिंस बनूंगा। राम राज्य आएगा। भक्ति मार्ग में कहते हैं जो श्रावण में अंधा होता है उसको सारी दुनिया कैसी दिखाई पड़ती है? हरी हरी ही दिखाई पड़ती है। तो ये बात उनके ऊपर लागू हो गई। बाप को पहचाना नहीं, बाप की वाणी को तिलांजलि दे दी, जमीन में गड़वा दिया और स्वर्ग स्थापन करेंगे। तो रिजल्ट क्या हुआ? अरे भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कृष्ण की को क्या रिजल्ट दिखाया है? अंत में किसी बहेलिये ने बुद्ध रूपी पांव में तीर मारा और मर गया। ऐसे यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई बहेलिये ने तीर मारा और प्राण पखेड़ू उड़ गए। तो कहीं तो जाके आत्मा जन्म लेगी, लेगी कि नहीं, या परमधाम में पहुंच जाएगी? जन्म ले लिया। बाबा ने कहा राजकोट में जाके जन्म लिया। राजाओं का कोट माने किला, क्या? मरने से पहले जहां गांधी जी काम करता था, वो राजाओं का किला था या 40 कोटि के पिता चले, 40 कोटि के प्राण चले? वो 40 करोड़ प्रजा थी या राजा थे? वो सारी प्रजा वर्ग। तो बेहद का गांधी भी कहां शरीर छोड़ा? प्रजा वर्ग के बीच में शरीर छोड़ा या राजाओं के बीच में शरीर छोड़ा? प्रजा वर्ग के बीच में शरीर छोड़ा। लेकिन उनकी तमन्ना तो थी, अच्छी तमन्ना थी या खराब तमन्ना थी? अच्छी तमन्ना थी। क्या? राम राज्य आएगा। तो अंतमते सोगते हो गई, राजकोट में जाके जन्म लिया। जो एडवांस पार्टी कही जाती है राजाओं का किला, उस राजाओं के किले में कोई बहुत अच्छे साहूकार कांग्रेसी के घर में जन्म लिया। अब बेहद का गांधी हद के साहूकार के यहाँ जन्म लेगा या बेहद के ज्ञानी के साहूकार के यहाँ जन्म लेगा? कहाँ जन्म लेगा? बेहद का जो ज्ञान का साहूकार, राम वाली आत्मा, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। त्रेता के आद में बड़ा साहूकार बनती है। वहां जन्म लेती है, अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है। किस रूप में जन्म लेती है? बड़े राजा के यहाँ किस रूप में जन्म लेती है? अरे सतयुग में तो प्रिंस कृष्ण के रूप में जन्म लेगी। लेगी या नहीं लेगी? तो कोई महाराजा के यहाँ जन्म लेगी या छोटे मोटे राजा के यहाँ जन्म लेगी? वो महाराजा विश्व का महाराजा कहा जाता है, परंतु यहाँ स्थूल बच्चे की बात नहीं है। पहले काम सूक्ष्म में संपन्न होता है या स्थूल में होता है? हैं? पहले सूक्ष्म में संपन्न होता है। वो तो स्थूल पेट से जन्म लेती है, सतयोगी कृष्ण की आत्मा, और ये है, ये बुद्ध रूपी पेट है, जहां से बाप की बुद्धि रूपी टोकरी में कृष्ण दिखाया जाता है। शास्त्रों में कृष्ण को दिखाया है कि जमुना से पार ले जाते थे तो काय में डाल के ले जाते थे? बुद्ध रूपी टोकरी में डाल करके ले जाते थे। तो ये राम वाली आत्मा है, जो राम बाप 76 में प्रत्यक्ष होता है। शिव बाप प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनता है। उसकी बुद्धि रूपी टोकरी में, मस्तक में कौन दिखाया जाता है? शंकर के मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है। वो चंद्रमा कोई दूसरी आत्मा नहीं है। अधूरा चंद्रमा है या 16 कला संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा है, जिसे संपूर्ण चंद्रमा भी बनना है। जब संपूर्ण चंद्रमा बनेगा तो गुलजारदादी में भी आना बंद हो जाएगा। तो अच्छे घर में जन्म लिया, लेकिन कांग्रेस क्यों बोला? राज्य किसका चल रहा है? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में राज्य किसका चल रहा है? भी कांग्रेस का राज था क्या? हाँ जी, 76 में भी कांग्रेस का राज था, जो माया के हाथ में था। बाहर की दुनिया में जनता पार्टी थी और एडवांस में भी तो नहीं। जनता पार्टी सिर्फ 1 साल के लिए आई 76 में। और जगदम्बा को प्रकृति का है। एक मूल्य में सुना था जगदम्बा प्रकृति का है, प्रेम कांता को भी प्रकृति का है और लक्ष्मी को, तीनों मिलके फिर क्या बात करेंगे? प्रेम कांता को प्रकृति कहा है, अभी कल की मुरली में प्रकृति कहा है प्रेम कांता को। 1460 की मुरली, 1460 की मुरली। अच्छा, तुम्हें तो सब याद रहता है तारीख वारीख। कल ही देखा था बाबा, 1460 में देखा था। सीढ़ी और सीढ़ी नंबर 2036 कैसा पूछना? चलो नंबर छोड़ दो, अब बात बताओ। ठीक है बाबा, तो प्रेम कांता का भी प्रकृति के साथ मिलके क्या बात? ऐसा तो कहीं नहीं बताया कि प्रेम कांता भी प्रकृति। हाँ, जंगली प्रकृति होगी। कांटों के जंगल में तो प्रकृति का थोड़ा हिसाब किताब है या नहीं है? कांटों के जंगल में साधु सन्यासी होते हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं? साधु सन्यासी वहाँ जरूर हैं आसपास। और बाबा, प्रकृति ने माया के साथ हाथ मिलाया, तो फिर दोनों को मिलकर के या प्रकृति कहेंगे या माया कहेंगे? प्रकृति अलग आत्मा, प्रा माने प्रकृष्ट है, कृति माने रचना। जो प्रकृष्ट रचना है भगवान की, उसका नाम है प्रकृति। वो लक्ष्मी नहीं है, वो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। प्रकृति, भगवान प्रैक्टिकल में इस सृष्टि में आता है तो पहले किसकी रचना करता है? प्रकृति की रचना करता है। उस प्रकृति की सारी दुनिया बच्चे हैं, इसलिए बोला कि भगवान से वर्षा मिलता है प्रजापिता को, रचयिता को, और प्रजापिता से वर्षा मिलता है प्रकृति को, माता को, और माता से सारी दुनिया को वर्षा मिलता है। नंबर वार बाबा, क्योंकि बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं और माया को भी सर्वशक्तिमान कहा। सर्वशक्तिमान तो प्रकृति को नहीं कहा, माया को कहा। इसलिए कहा कि जिसमें बुद्धि होगी वो ज्यादा शक्तिवान होगा, या जो जड़त्वमयी बुद्धि होगा वो ज्यादा सर्वशक्तिवान होगा? है, जो बुद्धिमान होता है उसको पहचान होती है, या जो बुद्धू होता है उसको पहचान होती है? तो माया और प्रकृति के बीच में जड़त्वमयी बुद्धि कौन सी है और तीव्र बुद्धि किसकी है? माया की तीव्र बुद्धि कैसे हो गई, कब हुई? क्योंकि माया पहले सरेंडर होती है। ज्ञान तो सब बच्चे लेते हैं, या नहीं? लेकिन बाप के प्रति सरेंडर कौन होती है पहले? माया पहले बुद्धि से सरेंडर होती है। बच्चे सरेंडर नहीं हो पाते, इसलिए घड़ी घड़ी निश्चय और घड़ी घड़ी अनिश्चय में आते हैं। तो माया अलग आत्मा, लेकिन क्षिप्र बुद्धि वाली आत्मा। और प्रकृति अलग आत्मा। नजदीक कौन है? बाप के नजदीक माया ज्यादा है या प्रकृति ज्यादा नजदीक है? है प्रकृति नजदीक है, क्योंकि प्रकृष्ट रचना है। परंतु नजदीक होते हुए भी बाप के पास रहने वाले बच्चे बाप को नहीं जान पाते, पूरा पहचान नहीं पाते, इसलिए सर्वशक्तिवान नहीं है। माया फिर भी सर्वशक्तिवान है, क्योंकि चालाकी करती है, प्रकृति को अपने हाथ में ले लेती है। द्वापर से जो भी प्राकृतिक सौंदर्य है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश तो बहुत ऊंचा है, वो तो बाप समान हो गया। बाकी प्रकृति के चारों ही तत्वों को द्वापर युग से रावण अपनी मुट्ठी में ले लेता है। माया रावण की मुट्ठी में प्रकृति आ जाती है, तो बहुत पावरफुल हो गई या कमजोर रह गई? पावरफुल हो गई। इसलिए भारत तो क्या, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र चंबे में आ जाते हैं। किसकी पूजा करने लग पड़ते हैं? है? 5 तत्वों की पूजा करने लग पड़ते हैं, प्रकृति की पूजा करने लग पड़ते हैं। सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय बन जाती है। देवी की पुजारी है ही आसुरी संप्रदाय, सब आसुरी संप्रदाय बन जाते। आखिरीन फिर भी अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाने वाला बाप बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता भी है या नहीं होता है? प्रत्यक्ष होता है। तो ये गणेश पूजा, हनुमान पूजा, देवियों की पूजा जो बच्चे पहचानते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? डूबी जा कर देते हैं। जैसे बेसिक से एडवांस में आए शुरुआत में, तो क्या किया है? डूबी जा कर दिया, उनका मान मर्तबा डुबो दिया। वो छोटा रूप है, अंत में विकराल रूप भी होगा। परमपिता परमात्मा का विराट रूप भी प्रत्यक्ष होगा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु का विराट रूप दिखाया जाता है। और ये एडवांस पार्टी इस बार किया था आउटकम से इंटेंसिटी सेवा के लिए, 20 फरवरी को सब प्रोग्राम था ना सर, तो उस टाइम जो 3 दिन का सेवा हुआ था वो वीडियो किया गया है, उसको वीडियो किया गया था। हाँ जी, कैसे 8 क्वेश्चन का जवाब दिया जाए, पुलिस के साथ कैसे टैकल किया जाए, बीके का गुंडा लगाते हैं कैसे क्या किया जाए, सारे चीज वीडियो में उठाया गया था। हाँ। तो उसको डीसीडी करके सबको दिखा सकते कि अपना में, क्योंकि सबको अंदाज पड़े कि 8 क्वेश्चन का जवाब कैसे हो सकता और कैसे क्या टैकल किया जा सकता, तो सबको मालूम पड़े कि आगे का परिस्थिति थोड़ा उसके लिए क्लियर हो जाएगा। ये हम डीवीडी करके सबको अपना परिवार में दे सकते क्या? क्या दे सकते? ये जो प्रोग्राम हुआ 3 दिन का, डीवीडी करके, जैसे बगावत का डॉक्टर बगवट का दिखा था ना, वैसे ये हम लोग का जो प्रोग्राम हुआ 3 दिन का 18, 19, 20 का, उसमें एक जगह पे रैली हुआ है, उसका सब कुछ सब अलग अलग करके दिखाया गया, डेट वाइज दिखाया गया। तो वो सबको क्वेश्चन भी करता क्या हुआ, तो बार बार से प्रश्न आता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बोला। तो ये सबको जानकारी जो होता तो कैसेट में आएगा, सबको मालूम पड़ेगा कि ये कर सकते क्या। सेवा करना ज्यादा अच्छा है या सेवा का एडवर्टाइजमेंट करना ज्यादा अच्छा है? एडवर्टाइजमेंट के तौर पे नहीं, ये जानकारी के तौर पे कि कैसे क्या है? अपना परिवार में सबको जानना चाहिए ना, सेवा का, जैसे सेवा का आप बोलते हैं ना, सेवा। आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे फिर भी जो प्रभाव निकलेगा वो प्रभाव से अनभिज्ञ रह जाएंगे लोग। सच्चाई सर के ऊपर चढ़ कर बोलती है, उसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है। सिद्धि को प्रसिद्ध नहीं किया जाता, सिद्धि स्वरूप स्वतः ही प्रसिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा कुमारियों ने भी वो ही किया। क्या किया? सेवा ज्यादा की या एडवर्टाइजमेंट ज्यादा किया? एडवर्टाइजमेंट ज्यादा किया। सच्चाई का विस्तार स्वतः ही हो जाएगा। फोटो दिखाने के पीछे न पड़े। वाइब्रेशन फैल जाए और यहाँ पर नीचे। हाँ बाबा, हम लोग रोज जब प्यास खत्म होती है तो उसकी बेटी के पानी बनाने को माताएं जमुई वहाँ खड़ी हो जाती है, बहन अकेली पूछती है, बहन अकेली पूछती है, बहनें जो माताएं आंसर देती है पॉइंट या गीता पॉइंट का। तो फिर बस का और ट्रेनों का ना उसी में ये होता है क्या, मेगा ब्लॉक है, मेगा ब्लॉक होता है ट्रेनों का मतलब कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने 9 से समझो शाम को 3 बजे तक ट्रेनें नहीं चलेंगी इस तरह से। तो जो बहन भाई जाने वाले उनको बहुत दिक्कत होती है, मतलब 3 दिन या 4 महीने ऐसे यहाँ पर बैठ जाए, कुछ नहीं वहाँ जाते तो फटाफट हो जाएगा। लेकिन बाबा जैसे क्लास खत्म होती है माता है वहाँ जाके पड़ी पड़ी। हाँ, तो जैसे क्लास चलता है वैसे वो भी क्लास चलना चाहिए, भीड़ क्यों करना? मेगा ब्लॉक होता है ना बाबा, माताओं को घर पर ले जाना, ट्रेन बंद होती है। हाँ, तो जल्दी की वजह से 9 बजे बंद हो जाती है मतलब कोई दूर रहने वाले सवेरे को 9 बजे, तो ज्यादा लंबा क्लास मत चलाओ, थोड़ा चलाओ, या तो सवेरे को आधा घंटा और ऊपर चढ़ा दो। पॉइंट्स बोलते हैं ना मुरली का। हाँ, तो वो सुनाते सुनाते टाइम होता है, मेगा ब्लॉक हो जाता है। तो थोड़ा टाइम रखो ना, आधा घंटा 15 मिनट रख लो, और ऊपर क्लास का टाइम थोड़ा ऊंचा और चढ़ा दो तो 15 मिनट और बढ़ जाएगा। वहाँ पर 4 माताओं का ग्रुप बना दें। हाँ, बाबा माता को 1 घंटा रहेगा, कोई बात नहीं, इससे अच्छा बहन भी पूछे और 2 माताएं और भी खड़ी रहेगी, जल्दी जल्दी लाइन हो जाएगी। हाँ, सहयोगी ज्यादा बना दें। हाँ, एक ग्रुप उधर खड़ा हो जाए, एक इधर, चारों तरफ से हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। हाँ, क्या होता है, सबको एक ही पॉइंट पड़ता है और बाबा का बोली चलता है, बोली की तरफ चलता है और सब पड़ता है, सब बहन को बताने का है ना, तो क्लास में ही पढ़ाई चलता है। चलो हैं, आगे पीछे कुछ सुधार कर लो। हाँ जी, शास्त्रों में लिखा है पंचकन्या का, शास्त्रों में लिखा है मंदोदरी, सीता, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, ये पंचकन्या है। देह का क्या है, देह के में कौन है वो? अरे बेहद में पांच पांडव हैं तो पंच कन्याएं भी हैं। कौन है इनका, बेहद का अर्थ क्या है? जैसा नाम है वैसा उनका अर्थ है। और बाबा सच्चाई सर पर चढ़कर बोलेगी। हाँ, तो इसको थोड़ा क्लियर। अरे सन 76 में एडवांस पार्टी की क्या दशा थी, एडवांस पार्टी में आने वालों की क्या स्थिति थी, और 76 के बाद में क्या स्थिति होती गई। अब 76 के बाद 25 और 10 35 36 साल हो गए, तब में और अब में क्या फर्क आया? फर्क कुछ दिखाई पड़ता है? हाँ, तो अब सर के ऊपर चढ़ के बोल रहा है। पहले इतनी किसी में हिम्मत थी नहीं थी, अब हिम्मत दिखा रहे हैं। और मेन रूप में किन के सर के ऊपर चढ़कर बोल रहे हैं? जो रावण संप्रदाय है, रावण के सर के ऊपर सच्चाई चढ़ के बोलेगी। और बाबा वो ट्रेन में देख के ही भाग रहे थे हम लोग, बात करना दूरी, देख के ही भाग रहे। ट्रेन को छोड़ दो, रोजमर्रे के क्लास में आना जाना जब करते हैं तो सामने देख के नजर झुका लेते हैं, छुप के नजर चले जाते हैं या सामना करते हैं फिर। हाँ जी बाबा, ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। ब्रह्मा बाबा अभी तक शिव बाबा को पहचान, माने साकार में भगवान। ब्रह्मा बाबा साकार में भगवान नहीं, ब्रह्मा बाबा अभी तक पहचान है ना, साकार रूप में कोई भगवान है तो मैं ही हूँ ऐसा अभी तक कैसे पहचानेंगे? अभी 63 जन्म के भक्ति मार्ग की शूटिंग पूरी हो गई क्या? जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो भक्ति की शूटिंग अभी भी पुरजोर से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तब तक कृष्ण वाली आत्मा भक्ति मार्ग में 63 जन्म ये स्वभाव संस्कार धारण करती है कि मैं ही गीता का भगवान हूँ, साकार भगवान दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। जब तक पूरी शूटिंग न हो जाए तब तक कृष्ण की आत्मा चेंज हो जाएगी क्या? नहीं चेंज होगी। अति का अंत हो जाता है। ओम शांति।